यह कहानी 17 साल की जिमी की है, जो कि दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने मौसी के घर पहुंची जा रही। जिमी का परिवार उसके मौसी के गांव में घुसा ही था कि जिमी को बहुत तेज प्यास लगी। उसके पापा ने साइड की एक दुकान पर गाड़ी रोक दी। तभी जिमी के पापा को कुछ लोगों की भीड़ दिखी। वहां वह आसपास खड़े कुछ लोगों से पूछने लगे कि भीड़ क्यों लगी हुई है। कुछ जवाब देता उससे पहले ही जिमी की नज़र भीड़ के बीच में पड़ी एक औरत की लाश पर पड़ी। उस लाश को देख जिमी को ऐसा लगा कि कोई परछाई उसे छूकर गुजरी। जिमी का ध्यान सड़क पर पड़े उस औरत के सजने सवरने के सामान पर पड़ गए। उसने सबसे नजरें चुराते हुए कड़ा उठा लिया। इतनी देर में जिमी के पापा उसे बुलाने से वह कड़ा अपनी पॉकेट में रखा और वहां से चला गया। अपनी मौसी के घर पहुंचने के बाद जिमी सबसे थोड़ा अजीब अजीब सा बर्ताव करने लगा। उसके घर वालों को लगा कि यह वह उस सड़क पर लाश को देखकर डिस्टर्ब हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जिमी का ध्यान अभी भी उसके पास रहे उस कड़े पर ही था। वह अपने कमरे में शीशे के सामने उस कड़े को पहनकर देख लेता। एक दिन जब जिमी अपने कमरे में उस कड़े को पहनने खड़ा हुआ तो उसका मन किया कि वो पूरी तरह लड़की बन जाए। अपने कंगन वह अपने कजन ऋचा के पास गया और उससे उसके सजने सवरने का सामान मांगने लगा। फिर जिमी अपनी मौसी के कमरे में गया और वहां से उनकी साड़ी और लिपस्टिक उठाकर ले आया। वह तैयार हो ही रहा था कि जिमी के पापा उसके कमरे में आ गए। जिमी को देखते ही उसके पापा उसे खूब डांटने लगे। जिमी ने रोते हुए कहा कि वह लड़की बनना चाहता है। यह सुनकर उसके पापा बेहद गुस्से में आ गए और उसे पूरी तरह पीटने लगे और उसका कमरा बाहर से बंद करके चले गए। जिमी अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा कि तभी अचानक उसे दीवार पर लड़की की एक परछाई नजर आई और धीरे धीरे वह परछाई उसकी तरफ आने लगी। जिमी वह परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया और कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लगा, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसके पैर के नीचे से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, माना कोई जिमी को पुकार रहा हो। जिमी ने जैसे ही बेड के नीचे देखा तो वह उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उस दिन जिमी को सड़क पर दिखी थी। वह देखने में बहुत ड्रामी लग रही थी। वह औरत उसकी ओर रेंगते हुए आई और जिमी में समा गई। जिमी वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन से जिमी अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। वह अपनी मौसी की साड़ी पहनी लड़कियों की तरह सजता और सवरता और सबसे बोलता कि अब से उसका नाम लक्ष्मी है। कभी कभी वह जोर जोर से चिल्लाता और सारा घर सर पर उठा लेता तो कभी किसी कोने में दुबक कर बैठ जाता और डरा डरा सा सहमा हुआ रोता रहता। एक दिन रोते रोते उसने अपनी माँ से कहा कि वह लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान नजर आते हैं और वे उसे आकर मार देंगे। उसने कहा, उन शैतान के पैर उल्टे हैं, दांत नाखून दांत खून से सने हुए हैं और लंबे लंबे नाखून हैं जिनसे वो उन पर हमला करना चाहते हैं। जिमी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था सब घर वालों को कि क्या हो रहा है, लेकिन वह रोज़ लक्ष्मी बनकर सजता सवरता रहता था और अपना कमरा बंद करके नाचता रहता। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि
उसके साथ क्या हुआ। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ और वो अपने आप को क्यों लक्ष्मी कह जा रहा है। जिमी के पापा मदद के लिए आस पड़ोस में पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम हुआ कि वह लाश जो उन्होंने उस दिन सड़क पर देखी थी वो किसी और की नहीं बल्कि जॉर्जेस लक्ष्मी की थी। जॉर्ज एक लड़के से प्यार करता था और वह अपना नाम बदलकर लक्ष्मी भी इसीलिए रखता था। वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे लेकिन जॉर्जेस के घर वालों को यह मंजूर नहीं था। उनके लिए ऐसा करना एक बहुत बड़ा पाप था और गांव में हो रहे बदनामी की वजह से उन्होंने जॉर्जेस यानी कि लक्ष्मी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। यह बात सुनकर जिमी के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उनको कुछ समझ नहीं आया कि अब वो क्या करें। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनका बेटा ऐसे कब तक रहेगा। उन्हें जिमी के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बेटे जिमी के शरीर में ज़रूर लक्ष्मी की ही आत्मा आ गई है। वह जल्दी से पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकले लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या हुआ था ऐसा जिमी के साथ? जिमी उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था कि तभी उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उसे मारने आ गए हैं। वही शैतान जिनके पैर उल्टे थे, दांत खून से सने हुए और लंबे लंबे थे। जिमी घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाकी घर वाले जब तक वहां दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, जिमी का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वह तुरंत उसे हॉस्पिटल। जब जिमी के पापा ने सबको जॉर्जेस की कहानी बताई तब सभी परिवार वाले को जॉर्जेस के लिए बहुत दुख हुआ और उन्होंने जॉर्जेस के लिए प्रार्थना की। और जब उन्हें जिमी के पास वो कड़ा मिला, उन्होंने वो भी जॉर्जेस की कब्र के साथ गड़वा दिया। कुछ दिनों बाद जिमी बिल्कुल ठीक हो गया था। आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन लक्ष्मी की तरह कई ऐसे लोग हैं जिनको गलत समझा जाता है और उन्हें उनके पसंद के लिए लोगों का बहुत बुरा बर्ताव सहना पड़ता है। आप सबसे हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है, ऐसा उन लोगों के साथ ना कीजिए क्योंकि उन्हें भी ईश्वर नहीं बनाया है, उनको भी ऊपर वाले ने ही बनाया है। यहाँ तक कि लड़कों को लड़कियों से प्यार करने के लिए और कई लड़कियों को लड़कों से प्यार करने के लिए लोग उन्हें मार डालते हैं। प्लीज़ ऐसा ना कीजिए, उनको समझिए, उनको अच्छे से समझाइए, जो उनके लिए अच्छा हो वो बेहतर कीजिए। यह कहानी भले ही एक काल्पनिक कहानी है लेकिन इस कहानी में एक बहुत ज़रूरी मैसेज छुपा हुआ है। सबको प्यार करने का हक है और हम सभी को हर इंसान के प्यार की कदर करनी चाहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली कहानी के लिए। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपनी कोई कहानी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आप कीजिए, मैं आपकी कहानी इसी तरह आपके नाम के साथ बोलूँगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही ड्रामी कहानी सुनने के लिए। मैं लेकर आती हूँ अगली कहानी आप लोगों के लिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।